राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जयपुर में आज प्रदेश भर से आए चिकित्सकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सकों की रैली रवाना होकर विभिन्न रास्तों से होकर गुजरी। इस दौरान चिकित्सकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। आरटीएच बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का आज फिर से राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अभी रैली निकाली जा रही है। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर एकत्रित हुए थे, उसके बाद यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ पर अब डॉक्टर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर बताइए आपकी क्या मांग है और किस बात को लेकर आज डॉक्टर फिर से सड़कों पर। सरकार आरटीएच बिल को विड्रॉ करे, ये आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर बिल विड्रॉ नहीं होता है तो आंदोलन चलता रहेगा और हर दिन उग्र होता जाएगा। मेरा संदेश ये है सरकार से कि चिकित्सक को इतना ज्यादा नहीं दबाया जाए कि वो अपना व्यवसाय चेंज करना पड़े या फिर उसको राज्य से पलायन करना पड़े या देश से पलायन करना पड़े। इससे प्रतिभाओं का पलायन होगा। चिकित्सकों के द्वारा जो पेशेंट्स को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। इससे पेशेंट्स को इलाज अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं मिलेगा और डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी राज्य में। इस बारे में विचार अच्छे से विचार करे सरकार। बिल के विरोध में डॉक्टरों का कहना है, जो निजी चिकित्सक है वो इस बात का विरोध करे कि आरटीएच बिल है उसको रोका जाए, हमें बिल नहीं चाहिए और हमारी ये मांग मानी जाए कि आरटीएच बिल को जो है अब नहीं लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर है जो जयपुर में गुलाबी शहर पर यहाँ पर चल रहा है और तब ये हड़ताल है जो खत्म होती है ताकि राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं हैं वो पटरी पर लौटे और लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।